हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटी के बारे में। अगर आप एक कॉमन मैन से एक इन्फ्लुएंसर की जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में मैसिव सक्सेस चाहते हैं, तो ये बिना स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटी के ये पॉसिबल नहीं है। और एक लीडरशिप क्वालिटी में दो एलिमेंट होते हैं, एक इसका माइंडसेट एलिमेंट और दूसरा आपका जो एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है, आपकी जो एक्शन टेकिंग एबिलिटी है, ये दो चीज़ें एक स्ट्रांग लीडर को बनाती है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही एक फेमस रूल है जिसको बोलते हैं 10x रूल। 10x रूल क्या कहता है कि हम लोग लाइफ में जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसकी हम लोग जो भी एक टाइम लिमिट सेट करते हैं, प्रैक्टिकली उसको अचीव करने में उसका 10x टाइम लगता है। सपोज़ कीजिए आपने कोई गोल सेट किया कि आपको इतना मनी एक्वायर करना है 1 ईयर में। तो जो भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, लगभग उन सभी का ये एक्सपीरियंस है कि हमको उस गोल को अचीव करने में 10 साल लग जाएंगे, 10 ईयर्स लग जाते हैं। इसी वजह से हम में से ज़्यादातर लोग उस जर्नी को अचीव नहीं कर पाते, कंप्लीट नहीं कर पाते। हम लोग का माइंडसेट होता है कि ठीक है, 1 साल में तो हुआ नहीं, हम लोग अपने आप को फेलियर मान के उसको हम लोग स्टॉप करके एक स्ट्रगलर की ज़िंदगी, एक कॉमन मैन की ज़िंदगी हम लोग जीना शुरू कर देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है 10x रूल। 10x रूल क्या कहता है कि आपका जो भी गोल है आप उसको 10x कर दीजिए। या इससे होगा क्या कि आपका जो एफर्ट्स है, जो एक्शन है, वो 10x हो जाएगा, आपका 10 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज द 10x रूल। सपोज कीजिए कि आपने गोल सेट किया था कि आप 1 ईयर में 10 लाख रुपीज अर्न करना चाहते हैं। तो अब इस रूल को यूज़ करने के लिए, इस 10x प्रिंसिपल को यूज़ करने के लिए आपको सेम टाइम में अपने गोल को 10x कर दीजिए। कि अगर आपका पहले गोल था 10 लाख रुपीज़, तो अब वो 100 लाख रुपीज़ हो जाएगा। इससे होगा क्या कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 10 टाइम्स हो जाएगी। ये एक लीडरशिप क्वालिटी है जिससे हम लोग अपने परफॉर्मेंस को, अपने एक्शन को 10x कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो एक्शन टेकर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। देर आर 4 टाइप ऑफ एक्शन टेकर। जो सबसे पहला क्लास है उसको बोलते हैं नो एक्शन टेकर। ये वो लोग होते हैं जो पुअर क्लास से या मिडिल क्लास से आते हैं, ये कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। ये बहुत अच्छे थिंकर्स होते हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाते हैं, लेकिन ये लाइफ में एक्शन नहीं लेते हैं कभी। जो सेकेंड टाइप ऑफ एक्शन है उसको बोलते हैं डिलेइंग एक्शन। ये वो लोग होते हैं जो सोचते तो हैं, प्लान भी करते हैं, करने की शुरुआत भी करते हैं, लेकिन वो हमेशा वो डिले मोड में चला जाता है कि आज करे सो कल करे, कल करो सो परसों, जल्दी क्या पड़ी है, जीना है कई बरसों। तो ये उस माइंडसेट के लोग होते हैं कि ठीक है करना तो है लेकिन कब ये नहीं पता। जो थर्ड टाइप ऑफ एक्शन टेकर हैं उनको हम लोग बोलते हैं एवरेज एक्शन टेकर। ये वो लोग होते हैं जिनकी अवेयरनेस थोड़ी बहुत होती है। ये लोग कभी थोड़ा सा बुक देख लेंगे, कभी यूट्यूब वीडियो देख लेंगे, ये थोड़े समय तक तो मोटिवेटेड रहते हैं और थोड़े टाइम बाद इनका जो मोटिवेशन है वो छूमंतर हो जाता है और इनका जो एक्शन है वो भी छूमंतर हो जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट द 4th टाइप ऑफ एक्शन टेकर। इनको बोलते हैं मैसिव एक्शन टेकर्स, या इनको हम लोग बोल सकते हैं 10x एक्शन टेकर्स। ये वो लोग होते हैं, इनकी लाइफ में जैसे कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी लर्निंग की अपॉर्चुनिटी, कोई भी डिसीजन लेना हुआ अपनी लाइफ में ग्रोथ को, बेसिकली कोई भी लर्निंग अपॉर्चुनिटी, उसको तुरंत ग्रैब करते हैं, उस पर वर्क करना शुरू करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। और ये अपने एक्शन में कंसिस्टेंट होते हैं। यही वो लोग होते हैं जो लाइफ में बड़ी सक्सेस को क्रिएट करते हैं। अगर आपको वाकई में जो भी अगर आपकी जो डीपेस्ट डिज़ायर है, अगर आप वाकई में एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, अगर आप वाकई में एक सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, तो आपको मैसिव एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कैसे करें। अगर आप वाकई में मैसिव एक्शन टेकर बनना चाहते हैं, 10x एक्शन टेकर बनना चाहते हैं, 10x रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो कैसे करें, उसके मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स आपको मैं शेयर करूँगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले आप आउटकम लिखिए कि आप आउटकम क्या चाहते हैं। जो भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है, जो गोल है, जो विश है, जो आउटकम है, सबसे पहले आप वो लिखिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे एक हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट टू डू लिस्ट। तो जो भी आपने आउटकम लिखा है उसको ध्यान में रखते हुए अब आप उसमें वो एक्शन लिखिए जो आप करेंगे ताकि उस आउटकम को आप प्रोड्यूस कर सकें। दिस इज द स्टेप नंबर 2। एंड स्टेप नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपने पर्सनैलिटी पे, अपने हैबिट पे, आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे आपको वर्क करना पड़ेगा। देखिए, आपका जो प्रेजेंट ब्रेन है वो अपना बेस्ट फंक्शन कर रहा है।
अगर आपको अपने अपने एक्शन टेकिंग एबिलिटीज़ को, अपने लीडरशिप क्वालिटी को, अपने रिजल्ट को अगर 10x करना है, तो आपको अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप नीचे हम लोग के डिटेल्स हैं, आप हम लोग के कम्युनिटी के मेंबर बनिए, और जो भी हम लोग का नेक्स्ट लाइव सेशन है उसके लिए इनरोल कीजिए। आप इस पूरे सिस्टम को समझिए जो आपके आपके पर्सनैलिटी को 10x शिफ्ट कर देता है, जिसमें हम लोग आपकी पर्सनैलिटी के 5 एस्पेक्ट पे वर्क करते हैं। आपकी सेल्फ इमेज पे, आपके बिलीफ सिस्टम पे, आपके थॉट एंड स्टेट पे, आपकी हैबिट्स पे और आपकी लीडरशिप क्वालिटी पे, ताकि आप इन सारे प्रिंसिपल को आप एग्जीक्यूट कर पाएं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।